दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो कुछ ऐसा नहीं दिखता, बल्कि कुछ ऐसा दिखता है। ये है US डॉलर। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस डॉलर की गुलाम है, क्योंकि अमेरिका के लिए ये US डॉलर सिर्फ एक लेन देन की करेंसी नहीं, एक टूल है, एक वेपन है जिससे वो आपको कंट्रोल करता। कई महीनों से आपने न्यूज तो पढ़ी होगी कि रूपी गिर रहा है और डॉलर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो मेरे कुछ ऑब्वियस सवाल, हम हमेशा रुपए की कंपैरिजन डॉलर से क्यों करते हैं? डॉलर की वैल्यू डिसाइड कौन करता है? डॉलर का कंट्रोल किसके हाथ में है? और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए यह है सारे चैप्टर्स, लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए, और अगर आपको कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैप्टर 1, डॉलर है दुनिया की बैकअप करेंसी। आपके लिए एक सवाल है, इस नोट में और इस नोट में क्या डिफरेंस है? है तो ये दोनों पेपर के टुकड़े, लेकिन भारत के बाहर इस टुकड़े का कोई मोल नहीं, और इस टुकड़े के आगे दुनिया झुकती है, क्योंकि US डॉलर एक वर्ल्ड करेंसी है। वर्ल्ड करेंसी यानी एक ऐसी करेंसी जो देश के बाहर भी इजीली दूसरे करेंसीज के साथ ट्रेड हो सकती है। लेकिन ये बेंजामिन का फोटो वर्ल्ड करेंसी बना कैसे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले 1914 तक दुनिया के मेजरली सारे करेंसीज गोल्ड से लिंक्ड हुआ करते थे, यानी देश के सेंट्रल बैंक्स जितने वैल्यू के नोट्स छापते थे उतने वैल्यू का गोल्ड अपने तिजोरी में रखते थे। गोल्ड था हर करेंसी का बैकअप। फिर वर्ल्ड वॉर में यूरोप के सारे देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को कर दिया फिनिश। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गोल्ड नहीं तो पैसों की वैल्यू नहीं। अमेरिका के लोग जीनियस थे, उन्होंने कहा आपके पास गोल्ड नहीं तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास है, हमारा डॉलर तो गोल्ड से लिंक्ड है, तो आपके पाउंड को डॉलर से लिंक करो और डॉलर गोल्ड से लिंक्ड रहेगा। एट दैट टाइम दुनिया का 75% गोल्ड रिजर्व था सिर्फ एक देश, US के पास। 1944 में जाकर एक अग्रीमेंट हुआ जिसे ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट कहते हैं, जहां डिसाइड हुआ कि US डॉलर स्टेबल है तो सब लोग अपने देश की करेंसी को US डॉलर से लिंक करते हैं। सो इन अ वे US डॉलर बन गया दुनिया का बैकअप। आज सारे सेंट्रल बैंक्स 59% रिजर्व्स US डॉलर्स में रखते हैं। अब जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन है, उनके करेंसी की कोई वैल्यू नहीं, तो वहाँ के लोग US डॉलर में ही लेन देन करते हैं। इक्वाडोर, एल साल्वाडोर में भी US डॉलर यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी करेंसी से ज्यादा US डॉलर पर भरोसा है। इस वजह से दुनिया में एक इकोनॉमिक हायरार्की बन गई है, जहां टॉप पे हुआ करता था गोल्ड, उसके नीचे था US डॉलर जो गोल्ड से लिंक था, और उसके नीचे थे बाकी सारे करेंसीज, यानी डॉलर दुनिया की सारे करेंसीज से ऊपर चला गया। चैप्टर 2, बैकअप करेंसी से वेपन बनने का सफर। The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ही हटा दिया, यानी फेड को, जो US की सेंट्रल बैंक है, पूरा फ्रीडम मिल गया US डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, यानी हमारी हायरार्की में से गोल्ड निकल गया और डॉलर सबसे ऊपर पहुंच गया। आज की दुनिया में होता यह है कि अगर भारत को जर्मनी से कुछ खरीदना है तो इंडियन बायर पहले रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करता है, फिर जर्मनी के सेलर को डॉलर ट्रांसफर करता है, और फिर उसकी बैंक डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करती है और उसे यूरो में पैसा मिलता है। इस ट्रांजैक्शन में दो प्रॉब्लम्स हैं। एक कि दोनों पार्टीज को एडिशनल कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं, और दूसरा कि US डॉलर को कंट्रोल US फेड करता है, वही कंट्रोल करते हैं कि हर एक US डॉलर का कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो सैंक्शंस के जरिए US ये कंट्रोल कर सकता है कि कौन सा देश US डॉलर से पेमेंट कर सकता है और कौन सा देश नहीं। रशिया के साथ US ने ऐसा ही किया। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद उन्होंने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, यानी रशिया को उन सारी कंट्रीज से ट्रेड करने से रोका जो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ US डॉलर में एक्सेप्ट करते हैं। ट्रेड डॉलर में होती है, लोन के पेमेंट्स डॉलर में होते हैं, और इस डॉलर को US फेड कंट्रोल करता है, इसे एक हथियार की तरह यूज करता है। चैप्टर 3, सारे घरों की एक चाबी। हम सब के पास हमारे घर की चाबी होती है, लेकिन सोचिए अगर हमारे पास हमारे सोसाइटी के सारे घरों की एक मास्टर की हो, तो एक ऐसी चाबी जिसके साथ आप किसी भी घर में घुस सकते हैं, उनका फ्रिज खोल के वहां से खाना खा सकते हैं, उनके टीवी पर मैच देख सकते हैं, यहाँ तक उनका टॉयलेट भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों चाबियों में से किस चाबी की वैल्यू ज्यादा होगी, आपकी चाबी या पूरे सोसाइटी की चाबी? क्या आप ऐसे किसी भी सोसाइटी में रहना चाहेंगे जहां पर आपका चेयरमैन आपके घर में घुसे और आपके लिए डिसीजंस ले? ऑफ कोर्स नहीं। मेरा घर
मेरे रूल्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ यूएस की फेडरल पॉलिसी दुनिया के ज्यादातर देशों की पॉलिसीज़ को डिक्टेट करता है। द यूएस डॉलर गिव्स अमेरिका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच। वो अपने देश के बाहर के लोगों का बिहेवियर, कंपनीज का फ्यूचर और देश के ट्रांजैक्शंस को डिक्टेट कर सकता है। ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल OFAC यूएस के बाहर एक एक डॉलर कैसे यूज हो सकता है ये कंट्रोल करता है। हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि यूएस स्विफ्ट के जरिए कैसे रशिया पर दबाव लाना चाहता है। चैप्टर 4। तो ये डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बन रहा है? लोग कह रहे हैं कि रूपी वीक नहीं हो रहा, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये कुछ ऐसा कहने जैसा है कि मुझे मार्क्स कम नहीं आ रहे, दूसरे लोगों को मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। That sounds stupid, right? But it's true. पैंडेमिक की शुरुआत में यूएस फेडरल रिजर्व और यूएस गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टिमुलस दिया था लोगों को। केयर्स एक्ट के अंडर हर अडल्ट को $1200 और हर चाइल्ड को $500 वन टाइम ट्रांसफर मिला। इन मेजर्स की वजह से 2020 से ही सारे एक्सपर्ट्स ने इन्फ्लेशन की वार्निंग दी एंड एज प्रेडिक्टेड 2021 से इन्फ्लेशन रेट तेजी से बढ़ने लगा। इस साल के मई महीने में इन्फ्लेशन पिछले 40 सालों में हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका था। कंज्यूमर डिमांड जब तक कम नहीं होगी, इन्फ्लेशन तब तक कम नहीं होगा, ये सोचकर फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना स्टार्ट किया। एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का लॉजिक क्या होता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोगों के EMIs भी बढ़ते हैं, यानी EMI पे करने के बाद उनके हाथ में कम पैसा बचता है। इसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। जैसे ही डिस्पोजेबल इनकम कम होता है, डिमांड कम होती है और इन्फ्लेशन भी कम होता है। इस साल फेड ने 5 बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं और आगे जाकर भी वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने ही वाले हैं। तो अगर डॉलर का रेट और बढ़ा तो डोंट बी सरप्राइज्ड। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर नेचुरली करेंसी की सप्लाई कम हो जाती है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हुआ ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बाकी सारे देशों से अपने पैसे निकाल रहे हैं और उसे यूएस डॉलर में लगा रहे हैं, उसे यूएस गवर्नमेंट के साथ पार्क कर रहे हैं। इसके वजह से यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और कॉन्सिक्वेंटली उनके प्राइसेस भी। ये एक मिठाई की तरह, सपोज एक क्लास में 60 बच्चे हैं और 1 किलो मिठाई लाने के बाद हर बच्चे को एक एक मिठाई का पीस मिलता है। अचानक से 1 किलो के बजाय सिर्फ आधा किलो मिठाई आई तो हर बच्चा मिठाई के लिए फाइट करेगा और जिसने मिठाई लाई है उसके पास कंट्रोल होगा कि किसे मिठाई मिलेगी और किसे नहीं। अमेरिका आज इसी कंट्रोल को अब्यूज करता है। प्रेसिडेंट निक्सन के सेक्रेटरी ने 70s में काफी मस्त बात कही थी, डॉलर इज आवर करेंसी बट योर प्रॉब्लम। हाउ ट्रू इज दैट? चैप्टर 5। तो क्या हम डॉलर को चैलेंज कर सकते हैं? तो क्या दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो डॉलर को चैलेंज कर पाए, उसे फ्यूचर में रिप्लेस कर पाए? सवाल पेचीदा है। डॉलर को रिप्लेस करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग और स्टेबल इकोनॉमी के साथ एक ऐसी करेंसी ढूंढनी होगी जिस पर दुनिया के ज्यादा कंट्रीज विश्वास रखे, ट्रेड करते समय उस करेंसी को यूज करे और लोन्स उस करेंसी में पे ऑफ करे और बेसिकली उस पेपर के टुकड़े में कुछ वैल्यू है इस कहानी में बिलीव करे। चाइना के युआन ने वो करेंसी बनने की कोशिश की है, लेकिन चाइना एक डिक्टेटरशिप है और ट्रांसपेरेंट नहीं है। चाइना एक अग्रेसिव देश है जो अपने गोल्स अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यूरो भी एक अल्टरनेटिव हो सकता था, लेकिन ब्रिटेन जो कुछ सालों पहले तक यूरोप का हिस्सा था, वो भी यूरो को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। पूरा वर्ल्ड तो दूर की बात है। RBI ने इस प्रॉब्लम पर एक सलूशन निकालने की कोशिश की है, वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट्स। बेसिकली ये दो देशों के बीच ट्रेड सेटल करने का एक सिस्टम है। वॉस्ट्रो अकाउंट एक फॉरेन बैंक का इंडियन बैंक के साथ अकाउंट होता है और नॉस्ट्रो अकाउंट एक इंडियन बैंक का फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट होता है। रूपी की गारंटी ये बैंक्स लेती है। भारत आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। हर फॉरेन कंपनी भारत में अपना बेस बनाना चाहती है, यहाँ के लोगों से ट्रेड करना चाहती है, बेसिकली हमसे पैसा कमाना चाहती है। तो भारत के साथ एक ऐसा टाई अप करना उन सारी कंट्रीज के लिए फायदेमंद है जो US डॉलर पर डिपेंडेंस कम करना चाहती है। रशिया आज भारत का सेकंड बिगेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते प्राइस को देखकर हमें रशिया से ऑयल खरीदने के बजाय कोई चारा है ही नहीं। आज होता ये है कि भारत एक ट्रेड डेफिसिट नेशन है, यानी हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम, यानी हर बार जब हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तब हमें पेमेंट US डॉलर्स में करनी पड़ती है और ऐसा करते करते हमारे डॉलर्स कम होते हैं। लॉन्ग टर्म में डॉलर पर डिपेंडेंस कम करने के बाद ही डॉलर की डिमांड कम होगी और ये हायरार्की फेयर हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम कहते तो हैं कि सब ह्यूमन सेम है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज मैटर नहीं करती, बट डॉलर सारी करेंसीज के ऊपर होने की वजह से सारे ह्यूमन सेम नहीं है। ये तो सिर्फ कहने की बात बन चुकी है। असल में हर अमेरिकन के पास एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है क्योंकि वो अमेरिका में पैदा हुआ है। इस एडवांटेज को वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यही सच है। US डॉलर अगर दुनिया को रूल करता रहा तो हम हमेशा के लिए उनके गुलाम बने रहेंगे, और ये इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे पारा पड़। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारा ये नया स्टाइल पसंद आया तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर हमें US डॉलर को चैलेंज करना है तो हमें UPI टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। UPI के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और यूके के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में भी हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।